हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज का मौसम देख के आपको समझ में तो आ गया होगा कि आज पानी नहीं गिरा और मौसम सुबह से ही काफ़ी अच्छा हो रखा था। मतलब क्लाउडी तो था बट बारिश नहीं हो रही थी। सो मैं सबसे पहले सो के उठती हूँ तो मैं मेरी बालकनी में ही 5-10 मिनट निकालती हूँ, क्योंकि मुझे बालकनी में बैठना बहुत अच्छा लगता है और ख़ास तौर से सुबह। यहाँ पे मैं बैठी थी और आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में कोई चूड़ी नहीं, कोई कंगन नहीं, क्योंकि उठने की हिम्मत नहीं होती है बट मजबूरी में उठना पड़ता है क्योंकि मिसी का कोई स्कूल जाना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पापा और दोनों बच्चे सो रहे हैं। मैं उठ के अपने आ गई हूँ रूम में। सबसे पहले मैं जाती हूँ मेरे स्टूडियो रूम में जहाँ से मैं वीडियो बनाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं इस रूम में मैं आई हूँ। मैंने कहा चलो पर्दे वगैरह खोल दो, मेरा हमेशा यही काम होता है सुबह सुबह। मैंने यहाँ के पर्दे खोल दिए हैं एंड ये जो डब्बे डब्बे दिख रहे हैं ना, इनमें सब में चूड़ियाँ हैं। और बस फिर अब मैं सबसे पहले पानी वानी कुछ नहीं पी रही क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट ही हो गई थी। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ब्रश ही करूँगी, क्योंकि अगर मैं पानी वानी पीने में बैठ गई ना तो थोड़ा टाइम हो जाएगा और फिर चाय पीने की इच्छा सी होने लग जाती है। तो मैंने सोचा कि आज एक काम करते हैं, सीधे ब्रश करते हैं क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि भाई पानी वानी पीते रहें। और मैंने वेलकम इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं पहले बालकनी में बैठी, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर में डाल दूँगी। बाद में मैंने बस यही अपना मॉर्निंग रूटीन टाइप आपके साथ शेयर कर दिया कि मैं क्या करती हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने फटाफट फेस वॉश कर रही हूँ। फेस वॉश के लिए ना मैं बोलने वाली थी पर मैंने पता नहीं क्यों आपकी तरफ देखा और फिर बोला भी नहीं। मैंने मामाअर्थ का फेस वॉश यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। लाइक अभी मैं समर्स में वही फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब हम आप लोगों से फ्रंट कैमरा मिलेंगे, क्योंकि वही होता है ना, मैंने ब्रश कर लिया तो मुझे लगा कि अब मैं आप लोगों से फ्रंट कैमरा मिलने में ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आई नो मैं फ्रंट कैमरा से भी बात कर रही हूँ। और आज है मिशिका का day 3 मानसून वीक का। आज उनके स्कूल से था कि ड्रेस अप करके भेजना है, कुछ फूड वगैरह जो बनाना है वो घर पे बनाना है। मिशिका को हमने जो मैश लगा रखा है तो वहाँ पे नहीं आज मिलेगा। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या बनाएं। फिर मंगौड़ी का वो होता ना, आप जानते होंगे मूंग दाल के भजिए होते, तो उसका वो रखा है बैटर इंस्टेंट वाला, तो मैंने अभी उसी को फुलाने रख दिया है। एक प्याज काट के डाल दी है उसमें। मैं सोच रही हूँ कि उसकी मंगौड़ी बना दूँगी, साथ में कुछ फ्रूट्स रख दूँगी। फ्रूट्स जो इस मौसम में ज़्यादा मतलब वो होते हैं क्योंकि ये मानसून का ही वीक है, तो उसमें लिखा हुआ है कि चेरी वगैरह और जामुन और कॉर्न भुट्टे वगैरह। वो सब बाबू कह रहे हैं मैं दिला दूंगा, तुम बस अभी मंगौड़ी बना दो। बस आज मिशिका का day 3 है और मैं चल रही हूँ किचन में। आज मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आप देखिए, इधर से दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन, क्योंकि मैं रात में नीट एंड क्लीन करके सोई थी। बस आपको यहाँ पे कपड़े दिखेंगे। ये कपड़े मुझे फोल्ड करके रखना है, मतलब इस बाल्टी में, और ये कपड़े ये देखिए हैं, और यहाँ पे ये जो कपड़े हैं ये गंदे हैं, सो इन्हें मशीन में डालना है। बाकी सब ठीक है, बाकी पूरे घर में सफाई है, इवन किचन तक की मैं सफाई करके बैठ गई हूँ ताकि मुझे ज़्यादा कुछ पड़े नहीं लोड। देखो यहाँ पे मैंने मंस की जो बॉटल है ना वो उबाल के रख दी है, और यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है अपने लिए चाय। और बस अब हम फटाफट मैं आपको बताती हूँ मंगौड़ी का बैटर दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन गया है और फूल भी गया है। अब बस मैं इसको तलती हूँ फटाफट ताकि मिशिका को भी उठाऊँ फिर बाद में मैं। यहाँ पे एक साइड मेरी चाय बन गई है और मिशिका के लिए मैंने वो मूंग दाल की भजिए भी बना दिए हैं क्योंकि आज उनको यही लेके जाना है टिफिन में। क्या हो गया आपको, मूड अपसेट क्यों कर लेती हो आप, बताओ ना क्या हुआ, तो गुस्सा क्यों, कहाँ नहीं जाना? अच्छा ऊपर देखो थोड़ा, आहा, अरे वो हंस रही, मिशिका तो हंस लई, आज तो मिशिका के दो दो छींग। ए मिशिका, मंसू कैसे करता जब अपन कहते ए मंसू, ए मंसू प्यारी दे दो मम्मा को एक छोटी सी, नहीं दोगी प्यारी, प्यारी दे दो जल्दी,
क्या हो गया? स्कूल नहीं जाना? आज तो आपको बहुत इंजॉय करना है, आज तो आपके स्कूल में पार्टी है। पार्टी में भी नहीं जाना? क्यों? चलो एक खड़े होकर फोटो खिंचवा लो, चलो मत जाओ, हम ड्रेस उतार दे रहे पहले, जल्दी खड़ी हो जाओ, फोटो खिंचवा लो अपनी। थोड़ा पीछे जाओ, दिख ही नहीं रही। वेरी नाइस, ओ वाह, क्या बात है, डॉल लग ले हो। क्या टूट जाएगी वो? हाय गाइस तो कह दो कम से कम, प्लीज नाउ। सो गाइज, मिसी का स्कूल जा चुकी है और अभी मुझे क्या करना है, घर के काम तो सारे हो चुके हैं, लाइक बर्तन वगैरह सब मैंने रात में कर दिए थे, तो अभी एक्स्ट्रा ऐसा कोई काम डला नहीं है और मन सभी सो के उठा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो कपड़े डले हैं मैं इनको फैला, बहुत ज़्यादा मैस लग रहा है यहाँ पे, इतना एरिया ना ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या जमाड़ खान रखा हुआ है। सो मैं सोच रही हूँ इन सारे कपड़ों को फोल्ड करके एकदम अच्छे से सेट कर दूँ। कपड़े मेरे घर में थोड़े ज़्यादा हैं। एक और चीज़ है कि मेरे पास ना कहते ना कि स्पेस बहुत ही कम हो गया है, धीरे धीरे ये 2 BHK का घर भी बहुत ही कम लगने लग गया है। अब आगे जब हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट होंगे ना, तो या तो हम ऐसा घर लेंगे जहाँ पे कवर्ड्स बहुत ही ज्यादा हो, लाइक ऐसे टाइप के जो दीवार में रहते हैं। सो क्या होता है ना कि उनके अंदर आप रख सकते हो, किचन में भी देख सकते हो रैक पे पूरा सामान रखा हुआ है, स्टोर रूम यहाँ पे कोई है नहीं, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना वो ऐसे ही पड़े रहते हैं या मेरे पार्सल वगैरह होते हैं इसलिए। और ये आई थिंक हर यूट्यूबर की कंडीशन होती है, क्योंकि अब हॉल में कुछ रख नहीं सकती थी मैं, बेडरूम में मैं कुछ रखती नहीं हूँ, मतलब ऊट पटांग सामान लाइक मेरे पार्सल एंड ऑल, तो वो सब यहीं रखे रहते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, मामा अर्थ का पार्सल, थोड़े आगे आप जाएंगे तो एक पार्सल वो पड़ा है यहाँ पे, सो पार्सल ही पार्सल आपको नजर आएंगे, यहाँ पे आपको लहंगे का पार्सल नजर आएगा। सो यही सारा कुछ है जो अभी मुझे यहाँ से समेटना है, थोड़ा क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन कर लूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और आप लोग कमेंट करते हो कि दी आप अपना घर बहुत गंदा रखते हो और आप हमें इन्फ्लुएंस करते हो। हम बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं करते। आपके घर में अगर स्पेस ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि आप उनको सेट करके रखोगे, अगर स्पेस कम है तो उनको आप सेट करते तो हो, बट वो सेट जैसा लगता नहीं है। जो मेरी बात से एग्री करता है कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। घर गंदा नहीं है, घर में गंदगी होना ज़रूरी होती है, ये चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, इन चीज़ों पर कोई गंदगी नहीं है। जैसे ये कपड़े हैं ये गंदे होंगे तो आप इसे बोलो कि गंदा है, लेकिन अगर ये गंदे नहीं है ये साफ है, अब वो रखने का स्पेस नहीं है तो फिर उस पर तो ऐसा कमेंट या ऐसा सोचना भी गलत हो जाता है। बट ये मुझे पता है कि ये सब नहीं कहते हैं, ये 2-4 लोग उठ के आ जाते हैं, वो कहते हैं जो शायद जिनके घर में शायद सच में मैस रहता है, लेकिन वो दूसरों को ज्ञान देते हैं, वो उनका नेचर हो जाता है और नेचर को हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे में कहा जाता है कि दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है और खुद उन कमियों पर काम करना ना बहुत मुश्किल। सो आई थिंक वो खुद अपनी कमियों पे काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो हम में कमियां निकालते रह जाते हैं। सुमिजिका को स्कूल जाना आजकल पता नहीं क्यों से बहुत चिड़चिड़ करने लगी है स्कूल के नाम से, बट कुछ ही समय से कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि जाती नहीं है, जाती है, अच्छे से जाती है, स्कूल से आती है तो खुश होके आती है, बट जाते टाइम नखरे करती है, या तो उसको नींद आती होगी या फिर जो भी है, और वो रात में जल्दी सोती भी नहीं है। हम लोग कितना ट्राई करते हैं कि दोनों बच्चे सो जाएँ, अब आप बिलीव मानेंगे अभी क्या टाइम हो रहा है, वही 7:30 बजे का टाइम हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मन सो गया है, अब ये सोएगा 8-9 बजे तक, और फिर नहीं सोने देते तो रोता चिड़चिड़ सा करता रहता, तो फिर सोने मजबूरी में सोने भी देना होता है, और अगर सोने दो तो फिर यही कि बच्चे रात में लेट सोते हैं, बड़ी दिक्कत होती है सही में। सो यहाँ पे मैंने कपड़े अपड़े जमा दिए हैं एंड फिर एक कॉल आ गया, तो मैंने कहा चलो बात कर लें, क्योंकि अभी ये टाइम होता है, क्योंकि मन सो रहा होता है। सो मन सो उठ जाता है फिर तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी मन नहीं। सो के उठ गए हैं और अपना बुबू पी रहे हैं, फ्रेश फ्रेश हो लिए हैं, राजा बाबू बन लिए हैं, क्यूटी पाई बन लिए हैं, क्यूटी पाई बन लिए हैं, और अब पी रहे हैं अपना आराम से बुबू। ये देखिए बाबू भी आ गए हैं, मिशिका को छोल के आ गए। दीदी पिपी पे गई? नहीं गई। ये खा, ये पी ले दूध, तो फिर थोड़ा सा और काम बच गया है तो मैं वो भी निपटाऊं। यहाँ तो मैंने अभी जमा दिया है, ये देखिए, चलो पी लो राजा बाबू, हम नहीं कर रहे डिस्टर्ब बाबू को। तो
तो काम मेरे सारे हो चुके हैं और अभी मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ नहाने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि नहाने से पहले इसको एंड कर देते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं ऐसे क्या होता है ना, रिप्लाई सबको नहीं कर पाते, एंड अगर किसी एक को कर भी दो ना रिप्लाई, तो भी दूसरा वो पूछता ही है क्वेश्चन, तो फिर रहता है कि वीडियो में ही बोल दो। तो आप लोगों के ना बहुत ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो यही आते हैं कि ये आपका जो जिस घर में आप रह रहे हो, ये आपका रेंट पे है या फिर आपने खरीद लिया है। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि नहीं खरीदा है हमने आज से, यस 1 साल समथिंग पहले सोचा था इस घर को खरीदने का, बट इसका जो कॉस्ट इनके मालिक ने बताया था वो बहुत हाई था, 32 लाख समथिंग बोला था उन्होंने 2 BHK का, एंड इसमें लिफ्ट भी नहीं लगी है। इसके पहले जिन्होंने भी ये फ्लैट खरीदे उनको ये बोला गया कि उनको लिफ्ट लगा के देंगे, लेकिन अभी तक लिफ्ट नहीं लगी है। सो फिर जब लिफ्ट ही नहीं है और फिर हम इतना महंगा लेके क्या करेंगे, ये वाली बात हो गई। सो एक तो पहली चीज़ की बजट हमारा था 25 से 28 के बीच का हो जाएगा, तो ठीक है हम देख लेंगे। नाउ बात करते हैं इसका रेंट का, कि अगर रेंट पे है तो कितने पे है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दी ये आपका कितने पे है। तो ये मेरा पहुंच जाता है 11:30 इसका रेंट है, मेंटेनेंस एंड उसके बाद आपको 11:30 रेंट है, उसके बाद मेंटेनेंस अलग है और बिल अलग है, ठीक है, लाइट बिल सुबह अलग रहता है। तो वही बिल भी अभी हाई ही आता है, क्योंकि एज अ यूट्यूबर हमें लाइट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। खैर मैं अभी 2 महीने से काम नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे, मतलब मेकअप वाला, जहाँ पे मैं हज़ार हज़ार वाट के ये रिंग लाइट जलाऊँ, मैं नहीं जलाती हूँ, लेकिन जब रिंग लाइट वगैरह जलती है, मेकअप वीडियो शूट करती हूँ, दो दो ढाई ढाई घंटे ये लाइट जलती रहती हैं, तब ऑब्वियस है कि बिल बहुत हाई आता है, मतलब 5-6 हज़ार तक पहुंच जाता है, अदरवाइज 2-2.5-3 इतने तक जाता है। सो ये समझ लीजिए कि इस तरीके का है। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे लगातार लगातार, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं ना, तो मैंने कहा चलो यार इस बात का आंसर हम कर देते हैं। और बहुत 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 सारे लोग बोलते हैं कि जीजू क्या करते हैं, सो वो भी हम बता देते हैं आपको कि आपके जीजू जो हैं वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। पहले हमने इसमें इन्वेस्ट किया था, तो हमारी खुद की प्रॉपर्टी थी जिसको हमने, मतलब समझ सकते हैं, कुछ पैसे देके मतलब पार्टनरशिप में खरीदा था, बट जब लॉकडाउन आया और बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानियाँ हुई, सो हमने बड़ी मुश्किल में अपनी जो जितना का हमने लिया था उसी समानता पे पहुँच के हमने उस प्रॉपर्टी को निकाला था। नाउ अभी बस डीलिंग का काम करते हैं, जिसको बेचना होता है वो इनसे मिलता है, जिनको खरीदना होता है वो इनसे मिलता है, और ये बीच के इंसान बनते हैं जो डील करते हैं, एक तरीके से डील करवाते हैं। इस तरीके का काम है, और कार बाजार में भी काम करते हैं। दो अभी ऐसे समझ सकते हो कि दो बिजनेस रनिंग में चल रहे हैं, और आगे भी हम काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में लेके चल रहे हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे, और काफ़ी सारे दिमाग में चीज़ें हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप इनके लिए तो आ ही रही हैं, साथ ही मेरे लिए भी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती ना कि नहीं कर पाते हैं। अब गुड न्यूज़ेस हैं जो हम आप लोगों के साथ थोड़े धीरे धीरे ही रिवील करेंगे, एकदम से भी रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग सोचते हैं कि कोई मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक उस चीज़ को गाना नहीं चाहिए कि मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया। फिलहाल आप लोग पूछते हैं कि दी आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, तो मैं सच बताऊँ ना, लास्ट मंथ की तो मेरी अर्निंग ही नहीं आई थी। अगर आप लोग मेरी लास्ट 3-4 महीने की अर्निंग पूछेंगे ना, तो मैं एक वीडियो उस पर सेपरेट बना दूंगी, जहाँ पर आप अर्निंग मेरी देख सकते हो। सो ऐसा है, बाकी प्रमोशंस आप देख ही सकते हो, मैं नहीं करती हूँ प्रमोशन, मैं नाक के बराबर करती हूँ, एक महीने में 1 या 2 ही प्रमोशन निकालती हूँ। ये ऐसा कुछ है, लेकिन हाँ ये सोर्स ऑफ इनकम ओनली अगर यूट्यूब होती तो ऑब्वियस है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि इंदौर जैसी जगह में रहना, इतने खर्चे, बहुत खर्चे होते हैं, लाइक हमारी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट एंड रेंट एंड राशन एंड मिशिका की स्टडी एंड मिशिका के खर्चे, मंथ्स के खर्चे, हमारे भी खर्चे, बाबू के भी खर्चे, तो सारा कुछ निकालना लाइक
पॉसिबल ही नहीं है, क्वाइट मुश्किल ना। नहीं दैट्स इट, इसीलिए मुझे ये दो तीन बातें जो थी डिस्कस करनी थी, क्योंकि हर किसी को रिप्लाई करना है मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो मैं चाहती हूँ आप मुझे थोड़ा बेहतर तरीके से जाने, दैट्स वाई मैं आप लोगों से इतना खुल के बात करती हूँ। आजकल मैं हर एक बात आपसे खुल के रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जितना मुझे मतलब जानेंगे आप उतनी मेरी लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि दी आप अपने चैनल पे थंबनेल ऐसा डालते हो टाइटल, आप लोग अगर ढंग से वीडियो देखोगे तो आपको थंबनेल और टाइटल का पूरा मतलब समझ में आएगा। अदरवाइज आप अगर वीडियो स्किप करते हो तो आपको थंबनेल टाइटल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग थंबनेल जो टाइटल बनाते हैं वो वीडियो का पूरा सार होता है, जिस सार को हम लिखते हैं ताकि आप उसे देखो। तो और कुछ भी नहीं, चलो अभी इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो चलिए बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। एंड हाँ, अगर यूट्यूब अर्निंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा।